वो भी अगर वक्त आएगा हम देखेंगे, जरूरत पड़े तो 6 महीने क्या उनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कौन मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री? हाँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़ी बातें आंकते थे और जो है रिवाज बदलने की बात करते थे। अभी वो जो है शौक में है, उनको सदमा लगा हुआ है और सदमा से अभी जाग रहे हैं। तो अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो जनभावनाओं के खिलाफ है। जो भी काम हुआ है ये रूटीन में काम हो रहा है, और जो भी नई सरकार बनती है तो पुराने फैसले जो इलेक्शन के ईयर में किए गए होते हैं, जहाँ वो इलेक्शन को ध्यान में रख के किए गए होते हैं, वो जो है जन जो लोगों के फायदे जन फायदे में नहीं होते हैं, तो उसका रिव्यू किया जा रहा है। तो उसमें क्या खराबी है? तो जयराम जी को जो है अभी थोड़े कुछ दिन और जो है सदमे से बाहर आने दो, मेरे को लगता है ठीक मतलब वो है अपना वक्तव्य देंगे। रणधीर शर्मा जी भी जो है अब थोड़ा सा इस बार चुनाव जीते हैं, चलो उनको बधाई देता हूँ, पर उनकी आदत है ये जो है हर बात को घुमा के कहने की। अटल टनल की जो सोच है ये जो है इंदिरा जी के समय हुई, और इसके लिए सारा का सारा जो काम और जो बजट है वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। और ठीक है कि उस समय जो जब इसका उद्घाटन हुआ तो इनकी सरकार थी, और जो उस समय जो पाटिका उस समय जो लगाई गई थी इसके जो शिलान्यास का, और पाटिका लगी थी शिलान्यास का, उसको इन्होंने दरकिनारे करके, एक जो प्रथा है कि जो शिलान्यास की पाटिका चाहे कोई भी लगाता है उसको भी साथ लगाना पड़ता है, इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया और ये बताना चाहा कि रोहतांग टनल जो है बीजेपी के समय हुआ। ना बीजेपी की सोच थी, ना बीजेपी ने इसमें कोई कार्य किया। ये ठीक है कि उनके कार्यकाल में इसका उद्घाटन हुआ, तो जो पाटिका इन्होंने जो स्टोर में रखा था उस स्टोर से बाहर निकाल कर अब उसको दोबारा लगाया जा रहा है। कोई नई पाटिका बनाई नहीं गई है, आप जाके उसको देख सकते हैं कब का पाटिका है।